अभी इनके केस में यही है कि मनीष कश्यप अब बिहार में ही रहेंगे और यदि तमिलनाडु पुलिस को यदि जरूरत होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो सुनवाई करेंगे। उनके जो भी समर्थक हैं उनको ये समझना चाहिएगा कि प्रशासनिक कारणों से यदि वो हंगामा नाराबाजी करते हैं तो प्रशासनिक कारणों से इनको यहाँ से भेज देगा, यदि प्रशासन के हाथ में चला जाएगा। स्वीटी और आप देख रहे हैं द इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मनीष कश्यप से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां मनीष कश्यप को अब बिहार के बेउर जेल में ही रहना है। पटना सिविल कोर्ट ने फैसला दे दिया है और सीधे तौर पर अगर तमिलनाडु पुलिस को कोई भी सुनवाई करनी होगी तो मनीष कश्यप सीधे तौर पर उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। आपको बता दें कि तमिलनाडु पुलिस में तमिलनाडु केस में हर जगह से उन्हें बेल मिल चुका है, इसलिए बिहार के बेउर जेल में ही मनीष कश्यप रहेंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं मनीष कश्यप के वकील, पहले उनकी बातों को सुनवाते हैं। अभी इनके केस में यही है कि मनीष कश्यप अब बिहार में ही रहेंगे और यदि तमिलनाडु पुलिस को यदि जरूरत होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो सुनवाई करेंगे। जज साहब का क्लियर कहना हुआ, इंस्ट्रक्शन हुआ कि चूंकि वो बिहार के हैं और उस सारे केस में इनको बेल वहां पर मिल चुका है तो तमिलनाडु भेजने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और अभी इनके लिए बहुत राहत भरी खबर थी, चूँकि वो तमिलनाडु में भाषा खाने पीने का सारा चीज़ वो साउथ कल्चर का होता है, तो इनके लिए समझिए काला पानी की सजा जैसी थी। ऐसे परिस्थिति में माननीय न्यायालय में इनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर ये है कि अब इनको बिहार में ही रखा जाएगा। कितने दिन तक अभी वो बनेगा बेउर के लिए? जब तक अब केस है इनका, जब तक बेल नहीं होता है तब तक वो बिहार के पटना में ही रहेंगे। लेकिन उनके जो भी समर्थक हैं उनको ये समझना चाहिएगा कि प्रशासनिक कारणों से यदि वो हंगामा नाराबाजी करते हैं तो प्रशासनिक कारणों से इनको यहाँ से भेज देगा, यदि प्रशासन के हाथ में चला जाएगा। तो इसीलिए उनके समर्थकों को बहुत ज़्यादा उन्मादी नहीं होना है। आपको याद होगा शहाबुद्दीन जी के केस में बेल जब हुआ था और काफिला देख के ही उनको यहाँ से भेज दिया गया था, तो प्रशासनिक कारणों का भी बहुत सारा होता है। तो इनके समर्थकों को बहुत अभी संयम बरतने की ज़रूरत है, अभी बेल के लिए आवेदन करना है। अभी जो इनके ऊपर संकट था कि इनको फिलहाल यही देखना था कि ये यहाँ पर पटना में रहते हैं कि नहीं, तो अभी एक लाइन में आर्गुमेंट में यही कहा गया कि उनके सारे केसेस में वहाँ पर बेल मिल चुके हैं और यहाँ का जो मामला है वो अब यहीं पर लंबित है। डे बाय डे इनकी सुनवाई में यदि कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन की भी बात होती है तो इसी बिंदु पर सारे बात, और उसमें एक और को अक्यूज जो थे युवराज सिंह, जिनको भी आज आरा जेल से यहाँ प्रस्तुत किया गया, उनको भी अब वहीं पर भेजा जा रहा है बेउर में। यही फिलहाल की खबर। कौन कौन केस में सुनवाई हुई है? अभी सारे केसेस में इनको जो है सो लेके अब सुनवाई नहीं हुई है। अभी ये इस मुद्दे पर तय था, लोगों के इनके समर्थकों में चिंता इस बात की थी कि क्या इनको पटना में रखा जाएगा या बिहार से बाहर भेजने की तमिलनाडु वाली खतरा है, तो वो संकट अभी चल चुका है। माननीय न्यायालय में इस बात को स्वीकार करते हुए कि नहीं, जब तक मैं हूँ अब इनको यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, यदि तमिलनाडु पुलिस कोई मांग करती है तो वो उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही बात होगा, तो वो तमाम तरह की बातें अभी न्यायालय में एनएसए के बिंदु पर कोई बात नहीं, अभी उस पर कोई अभी मनीष कश्यप का बेउर जेल में जाएंगे, वो बिहार में ही रहेंगे, ये बात तय हो गया। उनके वकील का सीधे तौर पर कहना था कि मनीष कश्यप बिहार के बेउर जेल में ही रहेंगे, अगर उन्हें कोई तमिलनाडु पुलिस को कोई सुनवाई करनी होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगा, और ऐसे में तमिलनाडु के हर केस में उन्हें बेल मिल चुका है इसलिए अब बिहार के बेउर जेल में ही मनीष कश्यप रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़। धन्यवाद।